का शहर। प्रकाशोत्सव पर तख्त श्री हरमंदिर साहिब का नजारा देखने लायक है। यहां आने वाले श्रद्धालु गुरुद्वारे का दर्शन करके खुद को धन्य समझ रहे हैं। सतरंगी रोशनी से नहाया हरमंदिर साहिब पूरे शहर की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। तख्त श्री हरमंदिर साहिब सिखों के सबसे ज्यादा पवित्र स्थलों में से एक है। हर सिख यहां जिंदगी में एक बार जरूर आते हैं। यहाँ दरबार साहिब में गुरु गोविंद सिंह की निशानियाँ मौजूद हैं, यहाँ दशमेश गुरु से जुड़ी कहानियाँ मौजूद हैं, और सबसे ज्यादा है आस्था का सैलाब जो पटना साहिब में प्रवेश करते ही नजर आने लगता है। यूं तो यहाँ साल भर सैलानी आते हैं, लेकिन प्रकाशोत्सव के मौके पर यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। दशमेश गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाशोत्सव को लेकर पटना पूरी तरीके से तैयार है। तख्त श्री हरमंदिर साहब को खास तौर पर सतरंगी रोशनी से सजाया गया है। देश विदेश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पटना साहिब, पटना घाट, राजेंद्र नगर, पटना जंक्शन, दानापुर और पाटलिपुत्र स्टेशन को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। पूरा पटना रंगीन रोशनी में नहाया है, लेकिन सबसे अद्भुत नजारा तख्त श्री हरमंदिर साहब सतरंगी रोशनी का है। इन तस्वीरों को देखिए। हरमंदिर साहब किस तरीके से रंगीन रोशनी में नहाया नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई रंगों में आप हरमंदिर साहब को देख सकते हैं। इन नजारों को देखकर दुनिया भर से आए सिख श्रद्धालु अपने को धन्य समझ रहे हैं। गुरु के दरबार में हम इस वक्त मौजूद हैं और बहुत सौभाग्यशाली होते हैं लोग, बहुत किस्मत वाले होते हैं जो गुरु के दर पर पहुंचते हैं, और वो सौभाग्य हमें भी प्राप्त है। और कई लोग प्रकाशोत्सव के मौके पर देश के कोने कोने से यहाँ पहुंच रहे हैं और काफी श्रद्धा भाव से पहुंच रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि कितना खास है ये मौका उनके लिए और क्या दुआएं हैं, क्या प्रार्थना है उनकी। गुरु जी का खालसा, गुरु जी की फतह। सरदार जी, कहाँ से आप? हम बॉम्बे से आए हुए हैं। 25 लोग हमारे साथ आए थे ये जत्थे में। पहला जत्था था जो शायद बॉम्बे से आया है यहाँ पे प्रकाश पुरब के लिए। किस तरह का एक्सपीरियंस है, क्या लग रहा है यहाँ पे, किस तरह फील हो रहा है? बहुत इच्छा थी कि हमारा ये पांचवा तख्त है इसके दर्शन करने के लिए, और ये हमारा सौभाग्य है कि गुरु साहिब के 350 साल का प्रकाश पुरब हमें यहाँ अटेंड करने को मिल रहा है, और हम बहुत खुश हैं यहाँ पे अटेंड करके, और यहाँ की व्यवस्था देख के भी हम बहुत खुश हैं। बाबा जी की कृपा से पहले दो दफा मैं आ चुकी हूँ, अभी फिर बाबा जी ने कृपा किया और मेरा बहुत दिल था कि मैं ये टाइम मेरे को बाबा जी अपने दर्शन दे जरूर बुलाए, और वाहेगुरु ने कृपा की मेरे को ये टाइम भी बुलाया उन्होंने। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की व्यवस्था देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। इस कार्यक्रम के लिए खास तरीके से तैयारी की गई है। गुरुद्वारे और हरमंदिर साहब के बाहर भी कई खास लाइट्स लगाई गई हैं। रोशनी का बेहतर इंतजाम किया गया है, और जब गुरुद्वारा रंगीन हो उठता है तो लोग टकटकी लगाकर इस बेहतरीन नजारे को देखते रहते हैं। और यहाँ की संगत जो बाहर से आई हुई, कम से कम 1.5 लाख संगत है यहाँ पे हमारे यहाँ पे, और जगह जगह पे लंगर लगे हुए हैं, और लोग इस लंगर में पकौड़े रोटी प्रसादे बेशक जोड़ के चल रहे हैं। ये यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की गई है सारे जगह पर, गुरुद्वारा परिसर में और परिसर के बाहर तथा बाल लीला और कंगन घाट चारों ओर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था है, और सारे पुलिस अफसर, लेडीज कांस्टेबल, मेल कांस्टेबल और सिविल में, और हमारे सीनियर एसपी साहब और डीआईजी साहब और सिटी एसपी मैडम, ये सारे लोग मॉनिटरिंग नहीं, यहाँ कैंप लगभग ऑलमोस्ट कैंप किए हुए हैं। 350वें गुरु पर्व में भाग लेने के लिए सिख श्रद्धालुओं का जत्था घने कोहरे और भारी ठंड के बीच पटना पहुंच रहा है। अब तक कई जत्थे पटना पहुंच चुके हैं, और कई जत्थों को पटना पहुंचना है। जितने भी सिख और उनके गुरु दरबार में आ रहे हैं वो अपने को धन्य समझ रहे हैं। फिलहाल पटना साहिब ही नहीं, पूरा पटना मिनी पंजाब नजर आ रहा है।
और बेहद खुश नजर आ रहे हैं यहाँ आने वाले दुनिया भर के श्रद्धालु। रश्मि, जी मीडिया, पटना। प्रकाश पर्व को देखते हुए इस बार पटना में खास तरीके की तैयारी की गई है। पूरा पटना सिटी रोशनी से जगमग है। मंगल तालाब में चलने वाला लेजर लाइट्स एंड म्यूजिक शो भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां भी भारी तादाद में सिख श्रद्धालु जुटते हैं। यूं तो प्रकाश पर्व को लेकर पूरा पटना ही बदला बदला सा नजर आ रहा है, लेकिन पटना साहिब की रौनक तो देखते ही बनती है। 350वें प्रकाशोत्सव को लेकर बिहार सरकार ने मुकम्मल तैयारी की। केवल तख्त श्री हरमंदिर साहब ही नहीं, पूरा पटना रोशनी से नहाया नजर आ रहा है। पटना सिटी की हर इमारत पर इस दौरान खास सजावट की गई है, लेकिन पटना सिटी का मंगल तालाब विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर्यटन विभाग लेजर लाइट्स के जरिए तालाब और आसमान में गुरुजी से जुड़ी कहानियां पेश कर रहा है। जैसे ही लेजर लाइट शो चालू होता है, आसमान में गुरु महाराज का और निशाने खालसा का दीदार होता है। गुरु गोविंद के रंग में रंगे इस इलाके में जब गुरु की जीवनी इतने खूबसूरत तरीके से दिखाई जाती है तो श्रद्धालु सराबोर होकर देखते हैं। ये लाइट एंड म्यूजिक शो स्थानीय प्रशासन के सहयोग से चल रहा है। तालाब के पानी से उठने वाले फव्वारे पर सिख धर्म का इतिहास उकेरा जा रहा है। हर गुरु की कहानी दर्शाई जा रही है। बताया जा रहा है कि कैसे गुरु गोविंद सिंह इस पाक धरती पर जन्म और किस तरीके की बाल लीला गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह के बचपन को लेकर जो कहानियां इन इलाकों में प्रचलित है उसके बारे में भी लाइट एंड साउंड शो में दिखाया जा रहा है। कंगन घाट और गुरुबाग की कहानियां लोगों को दिखाई जाती है। लोग यहां आकर आसानी से जान सकते हैं कि तख्त श्री हरमंदिर का निर्माण किस तरीके से और किसने किया। आसमान में लाइट्स के जरिए छवि तैयार की जाती है जिसका प्रतिबिंब तालाब पर दिखाई पड़ता है। ये खूबसूरत नजारा प्रकाश पर्व को और रोशन कर रहा है। दुनिया भर से जुटने वाले सिख इस आयोजन से बेहद खुश हैं। प्रवीण कांत, जी मीडिया, पटना। भगवान श्री राम के रूप में दर्शन देखने आए। पटना साहिब के बारे में ये मान्यता है कि यहीं से लंगर की शुरुआत हुई थी जो सिख धर्म की खास पहचान बन गई। यहाँ पंगत में बैठकर सिख गुरुओं ने लंगर खाया है। ये परंपरा यहाँ आज भी जारी है। प्रकाश पर्व के दौरान पटना में अलग अलग जगहों पर लाखों लोगों के लिए लंगर तैयार किया जा रहा है। लंगर में श्रद्धालुओं की भारी तादाद को देखते हुए आटा गूंथने वाली मशीन और रोटी तैयार करने वाली मशीन का सहारा लिया जा रहा है। सब्जी काटने के लिए भी मशीन मंगाई गई है। इसके अलावा हर वक्त 400 कारीगर खाना बनाने में जुटे हुए हैं। बहुत
नसीब वाले होते हैं वो जिन्हें लंगर नसीब होता है। लंगर यानी गुरु का प्रसाद। जी हाँ, गुरु का प्रसाद बनाने के लिए लोग सेवा भाव से अपना योगदान देते हैं। सेवादार आते हैं यहाँ पर अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति भाव से। जरूरी नहीं है कि लंगर बनाने वाले लोग सिर्फ पंजाबी ही हों, बल्कि यहाँ पर जाति धर्म मजहब का कोई भी फासला नजर नहीं आता, कोई भी दीवार नजर नहीं आती। सभी लोग बस गुरु की सेवा करने के लिए पहुंच जाते हैं। और लंगर बनाना यानी कि गुरु का प्रसाद ग्रहण करना अपने आप में एक बड़ी बात है, तो आप समझ सकते हैं कि गुरु का प्रसाद बनाना कितनी बड़ी बात होती है। तो कई सेवादार हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं। कहाँ से हैं आप? पंजाब कपूरथला से। पंजाब कपूरथला से। हाँ, और लंगर बना रही हैं। आखिर क्या सेवा भाव से आप लंगर बनाती हैं, गुरु का प्रसाद बनाती हैं? ऐसे ही मन का खुशी मिलती है लंगर बना के, आगे सेवा करके बहुत खुशी मिलती है। अभी गुरु गोबिंद सिंह का जन्म दिहाड़ा है तो वो तो है ही है। अच्छा, लोग कहते हैं ऐसा कि आप कहीं भी खाना खा लो, किसी बड़े से बड़े होटल में खा लो, घर का खाना खा लो, लेकिन गुरु के प्रसाद में एक स्वाद ही और होता है। इसमें ऐसी ऐसी गुरबाणी है, हर टाइम इसमें वहाँ पढ़ते हैं। स्वाद तो होता ही है ना, इसका अलग स्वाद होता है। कहीं भी जाओ जो एक खा के संतुष्टि मिलती है, घर में नहीं मिलती। अच्छा, साफ सफाई का, पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है? रखा जाता है, हाथ धोकर खाना पकाना पड़ता है। ऐसे ऐसे नहीं कि जहाँ कहीं भी हाथ वगैरह लगाओ, बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं। बिल्कुल, तो साफ सफाई पवित्रता का खास ख्याल रखा जाता है। और आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि इसके स्वाद की कुछ और ही बात होती है जब हम प्रसाद ग्रहण कर रहे होते हैं, लंगर ग्रहण कर रहे होते हैं, गुरु का प्रसाद। यहाँ पे लंगर इंचार्ज हमारे साथ हैं, तेजिंदर सिंह जी, उनसे बात करते हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश दुनिया में, और पटना की बात करें तो एक खास महत्व है क्योंकि ये गुरु का दरबार है। तो लंगर की एक खास बात होती है, कितने लोगों के लिए एक बार में लंगर बनाया जाता है? अभी तो समझिए कि लाखों आदमी का लंगर यहाँ बन रहा है। अभी कम से कम अभी तो शुरुआत हुई है, ये एक तारीख से लेकर छह तारीख तक कम से कम लाखों आदमी का लंगर यहाँ बन रहा है। अभी कम से कम 25-30 हजार आदमी लंगर छक रहे हैं और आने वाले और बढ़ती जा रही है संख्या। और हिंदू लोग यह सब खा रहे हैं, मुसलमान लोग आके यहाँ खा रहे हैं, सिख लोग आके खा रहे हैं, या कोई जात पात कुछ नहीं, एक ही पंगत में सब बैठ के खा रहे हैं और बहुत श्रद्धा से। जैसा कि अभी इन्होंने भी कहा, इंचार्ज ने कहा और हमने कई सेवकों से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जाति मजहब धर्म की दीवार नजर नहीं आती। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना सिर्फ पंजाब के जो सेवक हैं वो हैं यहाँ पर, बल्कि जिनके मन में श्रद्धा है, भाव है, भक्ति है, वो चले आ रहे हैं। कहाँ से आप? हम पटना से हैं, यही खाते हैं। आपके मन में क्या आया ऐसा कि आप लंगर बनाने के लिए आ गई? सब लोग बना रहे तो इंटरेस्ट आ गया कि मुझे भी बनाना है, सबका हेल्प कर दे, तो अच्छा लगा मुझे सबका हेल्प करने में। अच्छा लगा। आपको इससे पहले लंगर के बारे में पता था? हाँ, नहीं पता था इस लंगर के बारे में, यहाँ आई तो पता चल रहा है। फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे तो पता चला। तो आपने देखा कि किस तरह से सेवा भाव है लोगों में, और लोग खींचे चले आते हैं, भले ही उन्हें कुछ ज्यादा कुछ नहीं मालूम है, लेकिन भक्ति भाव एक ऐसी चीज है कि जो लोगों को अपनी ओर खींचती चली जाती है। कैमरा पर्सन निशांत के साथ रश्मि, जी मीडिया, पटना। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गांधी मैदान में टेंट सिटी की रौनक। शाबाशी चाहिए तो आप भी कोई रेगुलर नहीं, इंडिगो पीयू इनेमल अपनाइए। सिर्फ इंडिगो पीयू इनेमल। इंडिगो अब कायम चूर्ण का नया आविष्कार, गोली में भी असरदार। कब्ज, एसिडिटी और गैस को कायम रखे दूर, पेट खुश तो सब खुश। कायम चूर्ण अब टैबलेट के रूप में भी उपलब्ध। हक हक अगा गुरु गोबिंद सिंह। नमस्कार, मैं अपने तमाम दर्शकों को हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 350वें प्रकाश उत्सव पर हार्दिक बधाई देता हूँ। आइए उनके जलाए मानवता के दिए को पूरी दुनिया में फैलाएं और खुशियां बांटें।
पर्यटन विभाग बिहार इस अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विरासत। प्रकाशोत्सव के मौके पर गांधी मैदान में टेंट सिटी तैयार की गई है। सजावट कुछ ऐसी की गई है कि पूरा गांधी मैदान मिनी पंजाब नजर आ रहा है। टेंट सिटी में लाखों श्रद्धालुओं के रहने का इंतजाम है और पर्यटक भी यहां आकर बेहद खुश हैं। पूरा पटना गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व में शिरकत कर रहा है। जिधर नजर घुमाइए रंगीन रोशनी नजर आ रही है। यहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु प्रकाश पर्व के लिए पहुंच रहे हैं और उनके रहने के लिए भी पटना प्रशासन ने खास तैयारी की है। श्रद्धालुओं के रहने के लिए जो टेंट सिटी तैयार की गई है उसका नजारा हर देखने वाले का मन मोह रहा है। यूं तो बिहार ने अपने अंदर कई विरासत समेट रखा है, लेकिन आज हम पलटेंगे उस पन्ने को जिसने हमारे आज को इतना खूबसूरत बनाया। टेंट सिटी का खूबसूरत नजारा देखकर आप यही कह सकते हैं कि पटना इस वक्त पंजाब हो गया है और यहां आने वाले श्रद्धालु इंतजाम से गदगद हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालु बिहार सरकार की तैयारियों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आने के बाद पता लगा, इस प्रोग्राम में आने के बाद पता लगा कि बिहार के लोग बहुत बदल गए हैं। सरकार ने उनको समझाया है, वो माने अपनापन बहुत ज्यादा आ गया है और प्रशासन से लेके साधारण जनता बड़ी खुश है। हम यही माने कम से कम बिहार सरकार को तो हमारे तरफ से और सिख कम्युनिटी की तरफ से पहले सैल्यूट करना चाहते हैं। पटना में प्रकाश पर्व के मौके पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इनके ठहरने के लिए टेंट सिटी खास तौर पर बनाई गई है। गांधी मैदान, पटना बाईपास और कंगन घाट में विशेष तौर पर टेंट सिटी तैयार की गई है। यहाँ श्रद्धालुओं के रहने के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। सुविधा तो है ही, सजावट की तो पूछिए ही मत। गांधी मैदान टेंट सिटी का नजारा आप खुद देख लीजिए। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान कई ऐतिहासिक रैलियों का गवाह रहा है। एक बार फिर से यही गांधी मैदान इतिहास रचने जा रहा है, एक इतिहास का गवाह बनने जा रहा है। जी हाँ, ये इतिहास बनेगा प्रकाशोत्सव को लेकर। इस वक्त हम आपको नजारे दिखला रहे हैं प्रकाशोत्सव के। टेंट सिटी में हम मौजूद हैं जो कि एक मिनी पंजाब की रूप में नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, बिल्कुल ही अद्भुत नजारे हैं। ये शिद्दत है, ये मेहनत है, ये कोशिश है देश के कई राज्यों से आए कारीगरों का। जी हाँ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के कारीगरों की ये कोशिश है, उन्हीं की शिद्दत है जो कि इतने खूबसूरत नजारे आप देख पा रहे हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ कई हॉल बनाए गए हैं जिसमें से खास है दीवान हॉल जिसकी क्षमता है यहाँ 20 से 25 हजार लोग एक साथ बैठ सकते हैं। अगर हम मुख्य द्वार की बात करें तो इसकी ऊंचाई 100 फीट है और 3 गुंबद बनाए गए हैं जिसकी ऊंचाई 70 फीट है। जी हाँ, बिल्कुल। तो बिहार तैयार है देश के लोगों की मेजबानी के लिए और एक इतिहास रचने के लिए। टेंट सिटी में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। टेंट सिटी की सुरक्षा के लिए 85 वाच टावर तैयार किए गए हैं और सुरक्षा के लिए फिलहाल 9000 जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 1200 मजिस्ट्रेट और 1300 पुलिस पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पटना सिटी में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए 75 हेल्प डेस्क भी तैयार किए गए हैं। भीड़ को काबू में करने के लिए सीसीटीवी कैमरे और वीडियो कैमरे की मदद ली जा रही है और इन तैयारियों को देखकर बाहर से आने वाले लोग बेहद खुश हैं। रश्मि, जी मीडिया, पटना। प्रकाश पर्व में शिरकत करने के लिए सिख समुदाय के लोगों का पटना पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और पूरी दुनिया से सिख पटना पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर पटना इस वक्त पंजाब हो गया है और जो लोग भी यहां आ रहे हैं उनके ठहरने के लिए टेंट सिटी तैयार की गई है।
टेंट सिटी को रंगीन रोशनी से सजाया गया है और सभी श्रद्धालु रंगीन रोशनी में सजे हुए गुरु के इस विरासत को देखकर निहाल हो रहे हैं और बिहार सरकार के व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से बात की जी मीडिया संवाददाता रश्मि ने। अपनी कला और संस्कृति को सहेजने में बिहार हमेशा से आगे रहा है और इसी की देन है हमारी आज की विरासत। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आज प्रकाशोत्सव के रंग, दिखाते हैं आपको कि प्रकाशोत्सव देखने के लिए लोग कैसे देश और दुनिया से पहुंच रहे हैं, कैसे हम तैयार हैं देश और दुनिया के लोगों की मेजबानी करने के लिए। कहाँ से हैं आप? हम लोग आसनसोल से आए हैं, वेस्ट बंगाल। अच्छा, आसनसोल से हैं। आप इस टेंट सिटी के बारे में क्या कहेंगी? टेंट सिटी का नजारा ही बदल गया है। पहले वही गांधी मैदान होता था, देखते तो हैरान हो जाते, अभी तो देख हैरान हो गया कि कहाँ से महल बन गया है। ये तो महल जैसा नजर, मिनी पंजाब सा नजर आ रहा है। सर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मिनी पंजाब लग रहा है। तो ये तो टेंट सजाया हुआ है, ये ठीक है, लेकिन बिहार के प्रति एक इमेज जो थी बिहार के बाहर के लोगों की, मतलब भारतवासी को या दुनिया में, कि बिहार गंदा है, लोग अच्छे नहीं है। लेकिन आने के बाद पता लगा, इस प्रोग्राम में आने के बाद पता लगा कि बिहार के लोग बहुत बदल गए हैं। सरकार ने उनको समझाया है, वो माने अपनापन बहुत ज्यादा आ गया है और प्रशासन से लेके साधारण जनता बड़ी खुश है। हम यही माने कम से कम बिहार सरकार को तो हमारे तरफ से और सिख कम्युनिटी की तरफ से पहले सैल्यूट करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तरह का इंतजाम किया है, जो आदमी असंभव समझता था वो संभव हो गया, असंभव संभव हो पाया है। इस टेंट सिटी को देख करके आपको कैसा लगा और यहाँ की डेकोरेशन और लाइट के बारे में क्या कहना है? सचमुच ये बहुत ही सुंदर है और मिनी पंजाब लग रहा है एकदम, और हम लोग बहुत खुश है ये देख के, और हम लोग नीतीश सरकार को सैल्यूट करते हैं और बिहार सरकार को हम लोग अपना पर्व मनाने के लिए उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत हम लोग मुबारक जी। हाँ, आपको भी बता दें कि महीनों से तैयारियां की जा रही थी और वो तैयारी आज मुकम्मल हो पाई है। हमने आपको तैयारियों की भी तस्वीरें दिखलाई और आज हम आपको कंप्लीट टेंट सिटी दिखला रहे हैं जो कि रोशनी में झिलमिला रही है। आप क्या कहेंगे इस टेंट सिटी के बारे में? हम लोग बहुत एक्साइटेड है, वी आर लोकल पीपल, हम लोग यहाँ के हैं। हम मॉर्निंग वॉक के लिए तो हमेशा ही आते थे, बट उस समय जो हाल रहता था और आज का जो हाल है वो देख के टोटली डिफरेंट और बहुत ही सुंदर हो गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लोकल देखने आए हैं। आप कैसे फर्क को देखती है, क्योंकि आप भी लोकल? बहुत ही अच्छा लग रहा है, लगता है कि सोने में सुहागा हो गया। क्या इस टेंट सिटी को आप हमेशा देखना चाहेंगे? हमेशा देखना चाहेंगे और ये तो एक सपने की तरह है। यहाँ जब आए हैं तो ऐसा लगता है कि कोई यू आर सीइंग अ ड्रीम। एंड मेरे ख्याल में जो सरकार ने किया है, प्रशासन ने किया है, ऐसा शायद बहुत मुश्किल है करना, और सिख कम्युनिटी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए दिस प्राइड दिस थिंग। एंड जो गुरु गोविंद सिंह जी की याद में ये कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर वो भी कहीं देख रहे होंगे तो मेरे ख्याल में वो उनको भी बहुत तसल्ली हो रही होगी, गुरु भी खुश हो रहे हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत बहुत सुंदर है एंड बहुत मेहनत, लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। एंड यू वांट टू से समथिंग? कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? कई जगह से कारीगर यहाँ पहुंचे, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उनकी कोशिशें रंग ला रही हैं। बिल्कुल, उनकी कोशिशें बहुत रंग लाई हैं और बिहार सरकार और पटना के तमाम नागरिक आज इस उत्साह को, इस समारोह को करने में बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम हो कि बिहार में, बिहार जो था और आज जो बिहार है वो अपने आप में एक परिवर्तन के रूप में नजर आएगा लोगों को। लोगों का कहना है, लोगों के अनुभव का कहना है, एक्सपीरियंस का कहना है कि बदल चुका है बिहार और जिस तरह से रोशनी में नहाया हुआ है, प्रकाश में नहाया हुआ है टेंट सिटी, वाकई ये प्रकाशोत्सव है, ये है आज का बिहार। तो बिहार तैयार है देश और दुनिया की मेजबानी के लिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि बिहार के साथ एक और गौरव जुड़ने वाला है। कैमरा पर्सन जितेंद्र झा के साथ रश्मि, जी मीडिया, पटना। 350वें प्रकाश पर्व को लेकर पटना साहिब में प्रभात फेरी निकाली गई। पहले सुबह तख्त हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे से पंच प्यारे की अगुवाई में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित हुए और गुरु कीर्तन गाते हुए पटना सिटी के हरमंदिर गली काली स्थान होते हुए वापस तख्त श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे। इसके साथ ही पटना सिटी के हरमंदिर गली के रास्ते हाजीगंज इलाका होते हुए प्रभात फेरी आगे भी निकाली जाएगी और इस प्रभात फेरी में जबरदस्त नजारा देखने को मिलेगा। आप
इसी के साथ ही गुरु गोविंद सिंह के इस विरासत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।